अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अभी रिसेंटली हमने ना दो इफेक्ट पढ़े हैं करंट के, एक है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे करंट का तीसरा इफेक्ट जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट। बाकी दो इफेक्ट की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हमने पढ़ना है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट क्या है? व्हेन करंट पासिस थ्रू सर्टेन सब्सटेंसेस इट मेक्स केमिकल चेंज इन देम। व्हेन करंट पासिस through certain substances it makes chemical changes in them in it। अब ये जो मैंने एक वर्ड यूज किया है ना, केमिकल चेंज, मेन चीज ये है कि जब करंट किसी सब्सटेंस में से गुजरता है तो उसके अंदर ये केमिकल चेंजेस करता है। केमिकल चेंज क्या है? हमारे पास चेंजेस होते हैं दो किस्म के, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या? आपने रबड़ खींची फिर छोड़ दी, वो उसके अंदर फिजिकल चेंज आया। केमिकल चेंज, उसकी रबड़ की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी आपके फिजिकल चेंज से। केमिकल चेंज क्या करता है? मटीरियल जब केमिकल चेंज आता है तो बॉन्डिंग में चेंजेस आते हैं, और जब बॉन्डिंग में चेंजेस आते हैं तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ता है और प्रॉपर्टीज चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, अब ये होता कैसे है? हमारे पास, हम इधर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी वैसे आपने पढ़ा होगा, हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? कि द केमिकल डीकंपोजिशन ऑफ the chemical decomposition of substance due to flow of current is called electrolysis। लेकिन ये electrolysis हर substance में नहीं होती कि मतलब आपने कोई भी substance उठाया उसका current लगाया और वो बदल गया, नहीं। ये कुछ में होती है, जैसे अब हर material के अंदर ये नहीं होगी, जो substances इसमें मतलब जिसके अंदर ये केमिकल डीकम्पोजिशन होती है इनको हमारी जबान में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट मोस्टली हम लिक्विड्स को बोलते हैं, दोज लिक्विड्स डैट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दोज लिक्विड इन विच करंट कैन पासिस इजीली। ठीक है, हम इन सब्सटेंसेस, इन मटेरियल या लिक्विड्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर कुछ हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि बेराइन, NaCl का मोल्टन फॉर्म जो होती है वो, उसके अंदर आइंस आ जाते हैं। मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? चार्जेस। चार्जेस का मतलब हम इधर चार्जेस लेते हैं आइंस से। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आइंस जो होते हैं ना वो दो किस्म के होते हैं, एक आइन होते हैं एन आइंस और दूसरे होते हैं कैट आइंस। ठीक है, एन आइंस कहते हैं हम ऐसी चीज को जो नेगेटिव चार्जेस वाले पार्टिकल्स होते हैं, कैट आइंस कहते हैं ऐसी चीजें, ऐसे पार्टिकल्स को जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट होते हैं CuSO4। अगर हम इसको, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको एक्वस कर दें यानी कि इसके साथ पानी, इसको पानी में ऐड कर दें तो हम इसे लिखते हैं CuSO4 एक्वस। तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है अपने और आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। अभी ये एक पूरा आपके पास एक मटेरियल है सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जब ऐसे ही हम इसका मिक्सचर बनाते हैं पानी के साथ, इसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है Cu+2+SO4-2। तो ये दोनों बन गए आइंस। इसमें इस साइन का नाम है एनाइन और इस साइन का नाम है कैटाइन। ठीक है, अब ये रिएक्शन हम एक डब्बे में करते हैं, एक बॉक्स में करते हैं, उस बॉक्स को हमारी जुबान में बोलते हैं वोल्टामीटर। अब उस डब्बे के अंदर हम अभी करते हैं रिएक्शन के, कैसे कैरिड आउट होता है वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर से करंट पास होता है, और असल में उसके अंदर क्या होते हैं? चार्जेस, आइंस होते हैं, और वो दो किस्म के होते हैं। ठीक हो गया, अब वो मैं इस बॉक्स को इधर मैं दोबारा बनाता हूँ। तो इस बॉक्स के अंदर हम
ये रिएक्शन कैरीड आउट करते हैं। ये आपके पास इस तरह का बॉक्स होता है और इस बॉक्स का नाम होता है वोल्टामीटर। इस बॉक्स के अंदर हमारे पास ये जो बॉक्स है, दो इसको पहले लिख लेते हैं, द वेसल जिसके अंदर ये काम होगा, द वेसल इन विच इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो हम इस डब्बे का नाम क्या रख देंगे, जिस डब्बे के अंदर ये होगा उसका नाम क्या होगा, वोल्टामीटर। इस वोल्टामीटर के अंदर, ये थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, इस वोल्टामीटर के अंदर हमारे पास दो इस तरह के डंडे होते हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स काम आते हैं इस डब्बे के अंदर करंट ले जाने और लेके जाने में, और इसी डब्बे के अंदर हम अपना वो मटेरियल डालते हैं जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है, यानी कि जिसका भी मैंने नाम बताया, क्या नाम होता है उसका, इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इस डब्बे के अंदर अब हमारे पास हो गई दो चीज़ें, इलेक्ट्रोड्स और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, यूज्ड टू फ्लो द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट तक करंट लाने और ले जाने का जरिया जो होते हैं वो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक का नाम होता है एनोड और दूसरे का नाम होता है कैथोड। एनोड को मोस्टली हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, जैसे कि ये आपके सामने मैं करूँगा, ठीक है। अब इसको एनोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हमारे पास दो किस्म के आइंस हैं, तो जो आपके पास एन आइंस हैं ये होते हैं नेगेटिव, तो ये इस पॉजिटिव रोड की तरफ जाते हैं, तो इसलिए एन इलेक्ट्रोड से नाम बन गया एनोड। और दूसरे होते हैं कैट आइंस, ये होते हैं नेगेटिव, ये जाते हैं ये होते हैं पॉजिटिव, ये जाते हैं नेगेटिव की तरफ, तो इसलिए इधर से इनका नाम बन जाएगा कैथोड। अब हम करते क्या है कि इस इलेक्ट्रोलाइट को इस डब्बे में, यानी कि वोल्टामीटर में डाल देते हैं और ये दो रोड लगा देते हैं। अब होता क्या है कि इसके अंदर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है वो ऑलरेडी अपने आइंस बनाकर बैठा हुआ है, CuSO4, Cu+2 और SO4-2। अब सबसे पहले कि बैटरी ने क्या प्रोवाइड करनी होती है, एनर्जी। बैटरी पल्ले से चार्जेस प्रोवाइड नहीं करती, तो अगर तो हम देखें कन्वेंशनल करंट तो वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन अगर मैं इधर इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो वो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब नेगेटिव का मतलब है कि यहां से करंट चलेगा और यूं होकर यूं आएगा। अब इसके अंदर तो हमें चाहिए चार्जेस, तो नेगेटिव के अंदर ये हमारी साइड एक किस्म की लो बन जाती है और ये बन जाती है हाई। अब क्या करता है कि ये जो ग्रीन रॉड्स हैं जिनका नाम मैंने इलेक्ट्रोड रखा है, ये हम उसी मटेरियल के यूज करते हैं जिस मटेरियल का हमने ये अपना इलेक्ट्रोलाइट डाला होता है, यानी कि ये भी अब हमारे पास कॉपर का होगा और ये भी कॉपर का होगा। ये जो एनोड है, एट एनोड क्या होगा कि एनोड पर आपके पास इस कॉपर से बैटरी अपनी हिम्मत जुटाते हुए दो चार्जेस छीन लेगी। हमने यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के मुताबिक अभी डिस्कस करना है, तो क्या होगा कि इससे करंट इंटर होगा और इससे एग्जिट लेगा। अब इधर से करंट जब इंटर हो रहा है तो उसके पहले हमें उसका बैटरी से चार्जेस का देखना है कि चार्जेस आ कहाँ से रहे हैं। तो बैटरी इस कॉपर के इलेक्ट्रोड से दो इलेक्ट्रॉन छीन लेगी, ये कॉपर है इससे दो इलेक्ट्रॉन छीनेगी, तो ये बन जाएगा Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन। बैटरी ने ये दो इलेक्ट्रॉन छीन लिए और इसे से इसको पकड़ के लेके गई, लेकिन अब ये कॉपर से बन गया कॉपर आयन, और एनोड इसको इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अब इसके साथ रहे, क्योंकि एनोड पर कॉपर रह सकता है, कॉपर का आयन तो नहीं रह सकता, तो ये कॉपर का आयन धड़ाम गिरेगा किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट में। अब इलेक्ट्रोलाइट में गिर गया, अब क्या होगा कैथोड पे, कैथोड के ऊपर जल्दी से आ रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन्स देखेगा कौन, ये वाला कॉपर, ये वाला कॉपर कौन सा है, जो सॉल्यूशन का कॉपर है, ये दो इलेक्ट्रॉन देखेगा ये जल्दी से फुदक कर आएगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और जैसे ही इधर मैं लिख देता हूं कैथोड और एनोड,
ये कैथोड की तरफ आएगा और ये दो चार्जेस लेने के बाद सीयू बन जाएगा। अब ये बन गया सीयू, ये आयन नहीं रहा, तो कैथोड जब इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कैथोड कहेगा भाई साहब आप आपकी फैमिली बदल गई है, अब आप आयन नहीं रहे, आपके आप बन गए हो कॉपर, आप एक मुकम्मल एटम हो, अब आप मेरे साथ रह सकते हो। तो ये इसके ऊपर चिपक जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और ये इसके ऊपर हो जाएगा डिपॉजिट। और ये जो है सॉल्यूशन, मैं इधर लिख लेता हूं सॉल्यूशन, ये जो आयन जो हमारा बचा था ये आयन सॉल्यूशन में है, और ये SO4 के साथ मिलकर रिएक्शन को वापस, यानी कि ये जो मैंने बनाया ये रिवर्सिबल, ये इधर इधर से इधर और इधर से इधर जा सकता है, और ये वापस बन जाएगा सॉल्यूशन के अंदर CuSO4। तो अगर आप गौर करो तो सॉल्यूशन के अंदर CuSO4 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेकिन हो क्या रहा है कि एनोड से कोई एटम्स उतर उतर कर सॉल्यूशन से होकर कहाँ पर जा रहे हैं, कैथोड पर, और इस सिलसिले में एनोड के ऊपर की जो पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड के ऊपर। अब ये जो प्रोसेस है ये हम यूज कहां पर करते हैं और इसका और ये किस चीजों पर डिपेंड करता है, ये हम दो जगह पर यूज करते हैं मोस्टली। एक हम इसे यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? द डेपोजिशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ वन मटेरियल, डेपोजिशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ वन मेटल ऑन एन अदर बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। हुआ होगा क्या कि इधर फर्ज कर लो हमने कोई ऐसा मटेरियल रखा है जो एक्सपेंसिव है, हम उसकी लेयर के पार्टिकल्स इस लेयर पे ऊपर डिपॉजिट करवा देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब हम एग्जांपल देता हूँ आपको, ये जो ज्वेलरी होती है ना इसमें दो किस्में आती हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एक तो होती है जिसके ऊपर आम रंग चढ़ा होता है पेंट, एक वो होती है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनी होती है। आम रंग वाली ज्वेलरी का ये है कि वो उतर जाती है, उसका रंग बड़ी जल्दी उतर जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली होती है ना ज्वेलरी, उसके ऊपर प्योर गोल्ड की एक थिन लेयर डिपॉजिट की जाती है किसी दूसरे मटेरियल पर, और वो एक अच्छा इंप्रेशन देती है, और वो रियल गोल्ड नुमा, क्योंकि वो रियल गोल्ड ही ऊपर वाली लेयर, अंदर बेशक जो भी है लेकिन ऊपर वाली जो परत है उसकी गोल्ड की, और वो रंग भी नहीं उतरता, इसलिए वो पक्का होता है, और ये प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स कह लो। आपको पता होगा कि हमारे पास ओर्स मिलती हैं हमें ज़मीन से, हमें ये नहीं है कि ज़मीन में खास स्पेशल किस्म का लोहा मिल जाएगा, नहीं, हमें ज़मीन से स्पेशल किस्म का डायरेक्ट लोहा नहीं मिलता, हमें ओर्स मिलती हैं। ओर्स क्या होती हैं कि कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर डिफरेंट मटेरियल होते हैं। हम क्या करते हैं कि हम इस ओर को अटैच कर देते हैं किसके ऊपर? एनोड पर। और फर्ज कर लो ये और कॉपर की है, तो हम जो कैथोड है वो बना लेते हैं प्योर कॉपर का। अब होगा क्या कि इस ओर से एटम्स उतरेंगे कॉपर के, और किसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे? कैथोड पर। तो फिर फायदा क्या हो रहा है? लेकिन ओर के अंदर आप असल में क्या चीजें हैं, ओर के अंदर इम्प्योरिटीज भी हैं, तो ये इम्प्योरिटीज तो कॉपर नहीं है, तो ये इम्प्योरिटीज तो धम 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 सोल्यूशन में गिरती जाएंगी, और जो कॉपर होगा प्योर प्योर वो सारे का सारा कैथोड पर डिपॉजिट होता जाएगा। तो इस तरह ओर से हमने प्योरिफिकेशन कर लेते हैं, ये केमिकल इफेक्ट के जरिए पॉसिबल हो रहा है। अच्छा, अब ये क्या इसके मतलब, ये किस, इसके अलावा मतलब इसके करंट की वैल्यू या ये कोई भी बैटरी लगाकर आप कर लो, ये ऐसे हो सकता है? नहीं, मतलब इसको हम ये करंट डायरेक्ट करंट देते हैं जिसकी डायरेक्शन क्या रहे फिक्स। अगर इसको हम ऐसा करंट दें जो वैल्यूज चेंज करता है, मतलब पोलैरिटी को बदलता है, जिससे हम एसी करंट बोलते हैं, तो वो नहीं होगा। जब आप आगे जाओगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक बैटरी है जिसकी प्लस फिक्स है नेगेटिव फिक्स है, यानी कि करंट की डायरेक्शन फिक्स है। जो अल्टरनेटिंग होता है वो बार बार करंट को चेंज करता है, कभी ये पॉजिटिव कभी ये पॉजिटिव कभी ये पॉजिटिव कभी ये पॉजिटिव, जिससे कभी चार्जेस इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर, यानी कि उससे डिकम्पोजिशन हो ही नहीं, डिकम्पोजिशन कह रहा हूँ डेपोजिशन, यानी कि जो डेपोजिशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो मुकम्मल हो ही नहीं सके। कभी वो इसके इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, कभी इसके इधर दे रहा है, कभी इसके इधर दे रहा है, कभी इसके इधर दे रहा है, पता नहीं क्या दे रहा है, क्या कर रहा है नहीं पता, इसलिए हम इसे डीसी डायरेक्ट सोर्स से कनेक्ट करते हैं। अच्छा,
अब ये इसके अलावा एक बच्चा कहता है सर ये मेरे पास एक पूरा मेरे पास मैंने दो स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन दिया कॉपर सल्फेट का और दोनों को कहा कि यार इस पे जाओ काम करो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करके लाओ। तो एक ने किया तो उसने जब वो बच्चा था उसके पास एक बड़ी बैटरी थी उसने बड़ी बैटरी से करंट गुजारा एक ने छोटी से तो दोनों का रिएक्शन हुआ इलेक्ट्रोलिसिस हुई लेकिन मुख्तलिफ हो गई कोई इम्पैक्ट कुछ वैल्यूज़ में चेंज आ गया वो क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज हुई थी यानी कि ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फैक्टर्स इनमें सबसे पहली वैल्यू जो है वो है अमाउंट ऑफ करंट यानी कि करंट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी इलेक्ट्रोलिसिस पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज ये नहीं है कि हर सॉल्यूशन के अंदर ये काम हो जाएगा। नहीं, यानी कि हर सॉल्यूशन के अंदर एक जैसा केमिकल रिएक्शन होगा नहीं तो उसकी बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है कि किसकी बॉन्डिंग कैसी है किसकी बॉन्डिंग कैसी है। तो इसका मतलब है कि ये दूसरा फैक्टर जो इलेक्ट्रोलिसिस को इफेक्ट कर सकता है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के किस किस्म का इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ कर रहे हो जिसके ऊपर आप केमिकल इफेक्ट करंट का देखना चाहते हो। तो ये था आपका आज का केमिकल इफेक्ट का लेक्चर। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब और जो आपने करना है करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।